किसी को कुरान में ईमान ढूंढे नहीं मिलता, किसी को कुरान में ईमान ढूंढे नहीं मिलता, किसी को गीता में ज्ञान ढूंढे नहीं मिलता, अरे उस इंसान को कभी कहीं कुछ नहीं मिल सकता, अरे जिस इंसान को इंसान में इंसान ढूंढे नहीं मिलता। आदरणीय क्रांति जी, इसी को एक बार लाओ। क्रांति जी, आज की अपनी मुलाकात नहीं दे, साथ में ना। और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे परम आदरणीय भैया श्री छोटे भैया की ओर से आए हैं, और भैया ने इसी कर्ज के ऊपर, और ये 201 रुपए का पुरस्कार हमारे आदरणीय भैया श्री सरोज जी की ओर से केवल कर्ज बताने के ऊपर 201 रुपए का पुरस्कार आया है, धन्यवाद है। और ये 101 रुपए का पुरस्कार श्री सिंह टेंट हाउस अतरौदी प्रोप्राइटर श्री भूरे सिंह भैया की ओर से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। देखो, और कहना है मेहनत से गाओ सबको मिले। आज की अपनी मुला कहते हैं मुख्तलिफ शक्लें हैं और जात की, मुख्तलिफ यानी बदली हुई। अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, मुख्तलिफ शक्लें हैं और जात की, ये कहीं शोला कहीं शबनम भी है, अरे इसको चाहे किस नजर से देख लो, माँ भी है, बेटी भी है, बहन भी है और बेगम भी है। भगवान शंकर की जो माता महाकाली है, ये काली है, भगवान शंकर की माँ बनी,
यही भगवान शंकर की पत्नी बनी, यही भगवान शंकर की बहन बनी और यही भगवान शंकर की बेटी बनी। ये शुरू करता देखेगा के महाकाल के संग महाकाली मिली महाकाली सादा गीत है, कोई सर्कस नहीं है, सीधा सादा गीत है। उससे बिने महाकाल के संग महाकाली मिली महाकाली मिली। अरे चार रिश्तों में शिव को, चार रिश्तों में शिव को काली मिली महाकाल के संग महाकाली। चार कैसे मिले देखना एक बार। राक्षसों के इतने अत्याचार बढ़ गए कि देवताओं को अपने प्राण बचाना मुश्किल लगने लगा, देवताओं को प्राण बचाना कठिन लगने लगा। तब भगवान, तब माता मां काली की शरण में गए, माता पार्वती की शरण गए कि माता हम देवताओं के प्राणों की रक्षा करें। माता पार्वती ने अपना काली का रूप धारण किया और राक्षसों के राक्षसों का संहार करने के लिए निकल पड़ी। तमाम राक्षसों को मार डाला, काट डाला, तमाम मारे गए, तमाम भाग गए। जब रणभूमि खाली हो गई तो माता इतना क्रोध उनको चढ़ा था कि जब राक्षस नहीं मिले तो फिर देवताओं पर हमलावर हो गई मैया। देवताओं पर झपट पड़ी। अब जब देवताओं पर झपट पड़ी तो भागते हुए देवता भगवान शंकर की शरण गए, प्रभु अब आप हमारे प्राण बचाइए। भोलेनाथ ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और वो बिल्कुल नन्हे मुन्ने बालक बन गए। और जिस रास्ते में क्रोध में माता सामने से चली आ रही, भुजा दे लिए चली आ रही माता सामने बिल्कुल नन्हे मुन्ने बालक बन के शंकर जी रोने लगे, लेट गए, रो रहे हैं। लेकिन अब देखे आप, माँ आखिर माँ होती चाहे जितनी क्रोधित हो। भगवान शिव को बालक के रूप में रोते देखा तो माता की ममता जाग उठी और हुआ क्या, काली के क्रोध से विश्व थर्राया, काली के क्रोध से विश्व थर्राया। तो बाल रूप धर के रुद्र ने रुदन मचा, काली के क्रोध से विश्व थर्राया, काली के क्रोध से विश्व थर्राया। तो बाल रूप धर के रुद्र ने रुदन मचाया। तब गोद में उठा के भैया सुधीर सिंह, तब गोद में उठा के शिव को दूध पिलाया। माता काली ने, अरे गोद में उठा के शिव को दूध पिलाया। तो यहां पर अब मां रूप में शिव को काली मिली महा। चार रिश्तों में शिव को काली
पहला रिश्ता माँ बेटे का। सर्पों का पवन बांधे छाने शिव भंग है, अनोखी उमंग है। जो भगवान शंकर दूल्हा बन के बारात लेके चले तो एक खास बात आप लोग ध्यान रखें, एक देवी सोने का कलश लेकर के आगे आगे बारात में चल रही है, और वो कौन है? सर्पों का मोर बांधे छाने शिव भंग है, दूल्हा बने शूर में अनोखी उमंग। अरे ये कलश कंचन का जो चली संग संग है, वो बहन रूप में शिव को काली मिली, शिव को काली माता काली भगवान शंकर की बहन बनी। तीसरा रिश्ता देखे आप, जब बारात वहां पहुंची, बारात पहुंची तो रानी मैना यानी पार्वती जी की माता बूढ़ा दूल्हा देख करके बूढ़ा दूल्हा देख करके माता कहने लगी, मैं इसके साथ अपनी लड़की की शादी नहीं करूंगी। पार्वती जी ने कहा, अरे गौरा हर साई जीवन इन्हीं संग निभाऊं। फिर उसके बाद पत्नी रूप में शिव को काली मिली, शिव को काली मिली, महाकाल के संग में काली मिली, महाकाल के माता काली भगवान शंकर की माँ बनी, माता काली भगवान शंकर की बहन बनी, माता काली भगवान शंकर की पत्नी बनी, लेकिन पुत्री कैसे बनी देखिएगा। आखिरी टुकड़ा है, Thank you.
जीते रहो मेरे लाल, डबल नाश्ता हमारी तरफ। क्या बात है सुंदर लाल, अमर। एक बार भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया तो हुआ क्या, नेत्रीजा खोला अमर लीला दिखाई, और तीजे नेत्र से एक काली प्रगटाई। तो काली वही शिव की पुत्री कहलाई, तो पुत्री रूप पुत्री रूप में काली दिख लाली दादा ने दिया है, बहुत सुंदर। आइए जवाब सुन मेरी ओर से। के आज के अब के बोला मिले, आपने ले लिए। दादा बेगम कितना सजा के बोलते हैं, बेगम है भाई। जवाब सुने, अब मुझे भी जवाब में ऐसा कुछ लाना है जिसमें दो लोगों के चार रिश्ते निकल आए।
रिश्ते और भी हैं, लेकिन देखिए मैं कहां से कैसे रिश्ते ला रही हूँ। दादा आपके में नर नारी है, यहाँ देखिए दो है, कौन है अपने आप समझ में आ जाएगा। एक साथ दोनों नरवा वानर मिले, नरवा वानर मिले, एक साथ दोनों नरवा वानर मिले, नरवा वानर मिले। नर यानी इंसान और वानर यानी बंदर, ये कौन है के चार रिश्तों में, चार रिश्तों में कपिवर व रघुवर मिले। धन्यवाद। चार रिश्ते हैं, कपिवर यानी हनुमान के और रघुवर यानी राम के। चार रिश्तों में कपिवर व रघुवर मिले, तो एक साथ दोनों नरवा वानर मिले, नरवा जनता जनार्दन से निवेदन कर रही हूँ कि सुनिए पहला रिश्ता। ये बात सुनिए। श्री राम तो है सदा सृष्टि के नायक, शाबाश मेरे भाई शाबाश। श्री राम तो है सदा सृष्टि के नायक, और हनुमान जी हैं बने प्रभु के सहायक, हनुमान जी हैं बने प्रभु के सहायक। तो यहाँ युद्ध में साथी सदा, साथी युद्ध में साथी सदा, धनुर्धर मिले उनको गदाधर मिले। अब दादा यहाँ रिश्ता देखिए कि सेवक व स्वामी, सेवक हैं और स्वामी हैं, राम जी स्वामी हैं वो उनके सेवक हैं। सेवक व स्वामी रघुवर कपिवर मिले, चार रिश्तों में कपिवर रघुवर मिले, कपिवर रघुवर भाई कोई जोड़ नहीं तुम्हारा, अकेले भटक रहा बेचारा। दूसरी बात सुने, सुने अब मैं कौन सा रिश्ता ला रही हूँ। पहले देखिए, पहले हनुमान जी और राम जी सेवक और स्वामी हैं, अब दूसरी जगह बोटी के द्वारा लखन की जान है बचाई, बूटी के द्वारा लखन की जान है बचाई,
और जब हनुमान जी ने बूटी लाकर जान बचाई तो प्रभु बोले कपि से तुम हो भारत संभार। भगवान राम ने कहा हनुमान भारत से भी ज्यादा प्यारे हो मेरे लिए, और इस हिसाब से भी भाई और एक हिसाब से और भाई। जब वो खीर तीनों रानियों में बांटी गई तो वही खीर एक चील थोड़ा सा उड़ा कर ले गई, और माता अंजनी जहाँ तपस्या कर रही हैं वो खीर चील उनके मुंह में छोड़ देती हैं, तो उसी खीर से हनुमान जी का भी जन्म होता है। इधर खीर से ये चार लाल हो रहे हैं, उधर खीर से हनुमान हो रहे हैं, इस नाते से भी भाई 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 भाई। तो फूटी के द्वारा लखन की जान है बचाई, तो प्रभु बोले कपि से तुम हो भारत संभारी। प्रभु बोले तुम हो के प्रभु बोले कपि से तुम हो भारत संभारी। प्रेम में बंधे वो जैसे हरि हर मिले, जैसे हरि हर मिले। तो यहाँ भाई भाई दोनों, भाई भाई दोनों कपिवर रघुवर मिले। तो चार रिश्तों में कपिवर रघुवर मिले। और बहुत जल्दी रिश्ते पूरे कर रही हूँ, अब चूंकि जवाब देना काम है, चारों बातें पूरी करनी है। दादा सुने, जीत ना पाया कोई करके वो शत्रुता, तो दोनों निभाते रहे निष्ठा से मित्रता। दोनों निष्ठा से मित्रता निभा रहे हैं, निभा रहे हैं। और दादा यहाँ हनुमान जी और राम जी मित्रता कर रहे हैं, मित्र का रिश्ता है। दोनों निभाते रहे निष्ठा से मित्रता, भक्ति भाव से जगत में, भक्ति भाव से जगत में सागर मिले वो दया सागर मिले। तो अब यहाँ भाई भाई मित्र मित्र, अब चौथा रिश्ता देखें सुनिए। हनुमान ने सिया का पता है लगाया, सीता जी की खोज की हनुमान जी ने, और अगर हनुमान नहीं होते तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये सवाल मिले, हनुमान ने सीता का पता है लगाया, तो माता सिया उनको सुत है बनाया। माता ने कह दिया अजर अमर गुण निधि सुत हो, सुत हो, समझते रहिए पुत्र हो तुम। और जब कह दिया तो माता सिया ने उनको सुत है बनाया। माता से कपि को जब है वरदान मिल रहे हैं,
भाता से कपि को जब है महावर मिले, जब है महावर मिले। अगर माता ने हनुमान को पुत्र कह दिया तो इसका मतलब हनुमान राम के भी पुत्र है। तो पिता पुत्र रघुवर और कपिवर मिले। चार रिश्तों में कपिवर रघुवर मिले। चार रिश्तों में कपिवर रघुवर